हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज एंड ये है लेक्चर नंबर 27, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम बल्क डेटा फाइल हैंडलिंग के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं आपको दो फंक्शंस का यूज बताऊंगा जो कि यहाँ पे रिटर्न है। पहला है एफ रीड और दूसरा है एफ राइट। तो इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से हम बाइनरी फाइल्स को प्रोसेस करेंगे। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप बल्क डेटा प्रोसेस करें तो फाइल का जो टाइप है वो बाइनरी रखिएगा। तो मेरे पिछले वीडियोस में जहां लेक्चर नंबर 26 और 25 मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वहां मैंने टेक्स्ट फाइल एक्सप्लेन की थी। बट अभी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज करना है तो हम बाइनरी फाइल को यूज करेंगे। एंड जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है रीडिंग राइटिंग एरे इनटू फाइल देन स्ट्रक्चर एंड देन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक एक करके ये सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो ये मेरी डिटेल्स हैं जिन पर आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस देखने के बाद हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज में डाउट क्रिएट होगी, ये कैसे हुआ या हमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अपना पहला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, रीड एरे फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इन टू अ फाइल। तो यूजर एक एरे इनपुट करेगा और वो हमें फाइल में स्टोर करना है। तो डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पर आते हैं। सो रीड एरे फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इनटू फाइल। ठीक है, तो अब यहां पर हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h, stdlib.h, देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में अब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका साइज है 10, वेरिएबल आए। फाइल ओपन करने के लिए फाइल पॉइंटर बनाना पड़ेगा, तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जिन्होंने वो पुराने जो वीडियोज हैं लेक्चर नंबर 26 और 25 नहीं देखा है, तो इस पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लेक्चर नंबर 25-26 देखने के बाद आपको लेक्चर नंबर 26 जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपरली समझ में आएगा। तो उसमें फाइल पॉइंटर क्या होता है, कैसे काम करता है, फाइल कैसे ओपन करते हैं, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो अब हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। तब देखो, हमें यूजर से इनपुट करके डेटा फाइल में स्टोर करना है, मतलब फाइल में डेटा राइट करना है। इट मींस जो फाइल है अगर वो पहले से नहीं भी बनी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको क्रिएट करेंगे और उसको डब्ल्यू मोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल का नाम लिखता हूँ एरे डेटा और उसको मैंने नाम दे दिया .txt और मोड यूज करना है w। अगर मैं सिर्फ w यूज करता हूँ तो ये टेक्स्ट फाइल बनेगी, अगर मैंने w के साथ b और अटैच कर दिया तो ये बन जाएगी बाइनरी फाइल। तो अब देखो, जो मेरी .c फाइल है test.c, अगर आप टाइटल बार देखेंगे तो ये डी ड्राइव के डेमो फोल्डर में अवेलेबल है। तो अगर मैं डायरेक्टली फाइल का नाम लिखता हूँ तो ये फाइल ऑटोमेटिकली डी ड्राइव के डेमो फोल्डर में क्रिएट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि ये फाइल किसी और लोकेशन पर क्रिएट हो, फॉर एग्जाम्पल ई ड्राइव में सपोज डेमो नाम का एक फोल्डर है और उसमें आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से प्रॉपर पाथ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी अदर ड्राइव के लिए आपको ये लिखना है, और अगर जहां पर आपकी .c फाइल है वहीं पर आप ये एक और फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सीधा फाइल नेम .txt एंड उसको बाइनरी मोड में ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे ही फाइल को ओपन करते हैं तो हम ये कंडीशन चेक करते हैं fp=null। ठीक है, तो अगर फाइल पॉइंटर नल के इक्वल होता है, अगर फाइल पॉइंटर नल के इक्वल होता है तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, कैन नॉट ओपन फाइल और एग्जिट। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि अगर फाइल किसी भी रीजन से ओपन नहीं हो पाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल नहीं है या फाइल क्रिएशन में कोई एरर आ जाती है, तो उस केस में फाइल पॉइंटर के पास नल होगा। तो अगर फाइल पॉइंटर नल के इक्वल है तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा और फाइल ओपन नहीं हुई, इसलिए हमने एग्जिट यूज किया, एग्जिट प्रोग्राम को वहीं पर टर्मिनेट कर दिया। अब मुझे यूजर से इनपुट करवाना है तो मैंने यहाँ लिखा एंटर वैल्यूज, फिर एक फॉर लूप इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर लूप 10 टाइम चलेगा क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि हमें 10 नंबर्स को ही स्टोर करवाना है। तो मैंने लिखा scanf %d %a of i।
एंड जब ये प्रॉपरली डेटा रीड हो जाएगा, अब हमें इसको फाइल में स्टोर करना है, तो अब इसको फाइल में स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे एफ राइट। तो आपको सबसे पहले एरे का नेम यूज करना है, देन साइज ऑफ इंट कॉमा 10 कॉमा एफपी। तो अब इसको समझते हैं बेसिकली ये फोर पैरामीटर्स क्या क्या करेंगे। तो ये बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एरे, तो मैंने अपना एक एरे के, मैंने जो एक एरे का वीडियो बनाया था एरे एंड पॉइंटर, उसमें आपको बताया था कि नेम ऑफ एरे रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस ऑफ द कंप्लीट एरे लोकेशंस। तो अगर आप एरे का नाम यूज करते हैं तो वो बिगिनिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है, इसलिए एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है। देन साइज ऑफ इंट का मतलब हुआ कि जो एरे हमने क्रिएट किया उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो साइज है वो इंटीजर के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इंटीजर एरे बनाया। अगर ये एरे फ्लोट होता तो आप लिखते साइज ऑफ फ्लोट। देन कितने एलिमेंट्स हैं वो ये 10 बताएगा, दैट इज क्वांटिटी। एंड कहाँ पे स्टोर करना है वो बता रहा है एफ पी फाइल पॉइंटर। एंड स्टोर करने के बाद आप यूज कर सकते हैं एफ क्लोज एफ पी। तो इस तरीके से यूजर से हमने इनपुट करवाया इन स्टेटमेंट्स के थ्रू, और फाइल में हमने राइट किया एफ राइट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि एफ राइट बल्क डेटा एक बार में ही फाइल में स्टोर कर देगा, इसके लिए हमें कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी एरे स्ट्रक्चर या एरे ऑफ स्ट्रक्चर जैसी जो डेटा है वो प्रोसेस करना है फाइल हैंडलिंग के थ्रू, तो आप एफ राइट या फिर एफ रीड जो डेटा फाइल से रीड करेगा, दोनों को यूज कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को मैंने सेव किया, कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले डी ड्राइव पर जाते हैं, डी ड्राइव में डेमो फोल्डर। अब डेमो फोल्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरे ए नाम से कोई फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि एक फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो अभी तो मुझे वैल्यूज डालनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 वैल्यूज डाल दी, ठीक है। डेटा फाइल में जा चुका है, उसको चेक करने के लिए आप जाएंगे डी ड्राइव के डेमो फोल्डर पर। देखो एरे डेटा नाम से एक फाइल बन गई। अब जब मैंने टेक्स्ट फाइल्स ओपन करके आपको बताई थी मेरे पिछले वीडियो में, जब मैंने आपको फाइल ओपन करके बताई थी, तो वहां पर डेटा रीडेबल फॉर्म में था। बट अभी आप देखोगे कि आपको डेटा रीडेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर किया है, बाइनरी फॉर्मेट में। तो जब भी आप बल्क डेटा स्टोर करते हैं तो बाइनरी फॉर्मेट यूज करना जरूरी होता है, ताकि डेटा इजिली मैनेज हो पाए, साइज कम यूज करे डेटा स्टोर होने के लिए। बट ड्रॉबैक क्या है कि डेटा जो हम राइट करते हैं वो फाइल में हम ऑटोमेटिकली उसको ओपन करते ही रीड नहीं कर सकते। इट मींस अब जो एरे डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल मैंने बनाई है उसको जब मुझे रीड करना है तो उसके लिए भी मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपना अगला प्रोग्राम होगा। देखो अभी मैंने जो सॉल्व किया वो ये था, रीड एरे फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इन टू अ फाइल। अब नेक्स्ट क्या होगा, रीड एरे फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट ऑन कंसोल। तो इसी प्रोग्राम को अगर मॉडिफाई करें और सेम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो आपका जो एरे अभी अपन ने राइट किया वो रीड होगा और कंसोल पर डिस्प्ले हो जाएगा। रीड एरे फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट ऑन कंसोल। तो अब हम रीड मोड में ओपन करेंगे, यहां तक चीजें सेम रहेंगी। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हट जाएंगे, वो रीडिंग के बाद आएंगे। अब देखो पहले फाइल से डेटा रीड करना है तो अब एफ राइट की जगह मैं फंक्शन यूज करूंगा एफ रीड, ठीक है। किस में रीड करना है तो मैंने एरे पास कर दिया, एक एक एलिमेंट का साइज बता दिया साइज ऑफ इंट, कितने एलिमेंट्स हैं 10 और कहां से रीड करना है एफ पी। तो जब एफ राइट यूज किया था तो एफ पी था डेस्टिनेशन, जब एफ रीड यूज कर रहे हैं तो एफ पी है सोर्स, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा फाइल कंटेन्स, 10 टाइम लूप चलाया, स्कैन एफ को मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहां परसेंट डी के बाद एक कॉमा लगा दिया जिससे एक एक एलिमेंट, मतलब एक ही लाइन में सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे बट हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा प्रिंट हो जाएगा। तो ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब देखो यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे हम, इस फाइल से डेटा रीड करेंगे और हमें पहले से मालूम है कि उसमें हमने 10 एलिमेंट स्टोर किए हैं। अगर ज्यादा डेटा है फिर भी आप लेट सपोज आप 10 की जगह 5 एलिमेंट रीड करना चाहते तो आप यहाँ साइज 5 भी मेंशन कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। तो एग्जीक्यूट किया, देखो फाइल कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑटोमेटिकली डेटा फाइल से रीड हो गया। तो मैंने कुछ भी इनपुट नहीं किया, फाइल से डेटा ऑटोमेटिकली रीड हुआ और वो प्रिंट हो गया।
अब अगर मैं इस कंपाइलर को क्लोज कर देता हूं और अगले दिन आकर मैं ये जो प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है इसी को रन करता हूं, तो भी ये प्रोग्राम उस फाइल से सेम डेटा रीड कर लेगा। ये फाइल हैंडलिंग का बेनिफिट है कि जो चीज हमने एक बार फाइल में स्टोर कर दी हम उसको कभी भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी देखा कि एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट का भी काम कर रहा है और अपना जो इनपुट आउटपुट है वो परमानेंटली स्टोर्ड है, हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो रियल टाइम में ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है जहां पर जो यूजर इनपुट आउटपुट जनरेट करता है वो भी स्टोर हो जाए। अब आगे चलते हैं, सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है स्ट्रक्चर पर। तो दो प्रोग्राम बनेंगे, पहला रीड स्ट्रक्चर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इनटू फाइल और दूसरा रीड स्ट्रक्चर फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट ऑन कंसोल। तो सेम अप्रोच हमें फॉलो करना है बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रक्चर। सो रीड स्ट्रक्चर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इनटू फाइल। तो मेन से पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंटीजर रोल नंबर कैरेक्टर नेम एंड फ्लोट मार्क्स। देन स्ट्रक्चर को क्लोज किया। अब यहां पर एरे यूज नहीं करना है इसलिए मैं एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। और आपको मालूम ही है कि जब इंटीजर के बाद कैरेक्टर रीड करते हैं तो वो प्रॉपरली रीड नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये सी एच एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया है। अब फाइल को ओपन करेंगे तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रक्ट डेटा ताकि एक डिफरेंट फाइल क्रिएट हो। तो इतना कोड अपना सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब मुझे यूजर से इनपुट कराना है रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, तो मैंने लिखा एंटर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, ठीक है। तो मैंने लिखा स्कैनफ परसेंट डी एम परसेंट एस डॉट रोल नंबर। तो ये चीज आपको मालूम ही है कि स्ट्रक्चर कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने स्ट्रक्चर का वीडियो जरूर से देखा होगा, तो वहां आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे काम करता है। पहले नेम रोल नंबर रीड किया, फिर नेम रीड किया। नेम प्रॉपर रीड हो इसलिए मैंने जो रोल नंबर के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे उसको गेट कैर के थ्रू सीएच में स्टोर करा दिया। एंड मार्क्स रीड करने के लिए परसेंट एफ एम परसेंट एस डॉट मार्क्स, ठीक है। अब देखो डेटा रीड हो गया, बल्क डेटा है, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अपने पास में, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, एक ही वेरिएबल है एस, और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही वो डेटा फाइल में चला जाए, तो मैं लिखूंगा एफ राइट। अब देखो ये जो एस वेरिएबल मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, क्या ये एरे है? नहीं, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, एरे नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि एरे का नाम उसका बेस एड्रेस बताता है, बट जो वेरिएबल एरे नहीं है उस केस में आपको एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक सिंगल स्ट्रक्चर राइट करेंगे तो आपको एम्परसेंड एस लिखना पड़ेगा। फिर आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का भी प्रोग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस केस में मैं एम्परसेंड यूज नहीं करूंगा क्योंकि अगेन वहां पर एरे आ जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक वेरिएबल इसलिए वन, और कहाँ पे राइट करना है एफ पी फाइल पॉइंटर में, क्योंकि वही अपनी स्ट्रक्ट डेटा फाइल को पॉइंट कर रहा है, तो वो एज इट इज। तो अभी s एक वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे वन लिखा। अगर ये एरे बन जाएगा आगे जाकर तो वहां पे एरे का साइज जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी आपको मेंशन करनी है। तो ये हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया, इसको एग्जीक्यूट कराने से पहले डेमो में देख लेते हैं। अब मैं s प्रेस कर रहा हूँ, देखो s से स्टार्ट होने वाली फाइल्स यहाँ पर है, तो अभी स्ट्रक्ट डेटा नाम से कोई फाइल नहीं है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये मुझसे पूछ रहा है रोल नंबर मैंने डाला 101, नेम पूछ रहा है मैंने डाला संजय, और मार्क्स मैंने डाले 1000, ठीक है, डेटा फाइल में चला गया। कैसे पता चलेगा? डेमो फोल्डर में जाओ और चेक करो फाइल ये रही, ओपन करो, कुछ भी रीडेबल नहीं होगा, बाइनरी फॉर्म में है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें रीडेबल है बट जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज प्रॉपर रीडेबल हो, तो इसको तो करते हैं क्लोज। अब हम चाहते हैं कि जो डेटा हमने राइट किया उसको हम कोड के थ्रू ही रीड कर पाए, तो रीड स्ट्रक्चर फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट ऑन कंसोल। तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, वेरिएबल्स वगैरह सब एज इट इज होंगे। अब फाइल का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा, हमें डेटा रीड करना है, तो अब डेटा रीड करना है तो एफ राइट को हटाकर एफ रीड लिखना है।
तो यहां पर मैंने इसको एफ रीड कर दिया, पूरा सिंटेक्स सेम होगा। तो अब एफ पी बन जाएगा सोर्स और टारगेट बनेगा एस, मतलब एफ पी से डेटा उठकर किस में आ जाएगा, एस वेरिएबल में। और कितना डेटा उठेगा, जो इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसका साइज है, और कितनी क्वांटिटी, वन। अब यहां लिख देते हैं स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, ठीक है, ये हमें डिस्प्ले कराना है। तो अब ये सब हट जाएगा और हमें प्रिंट एफ यूज करना है, तो यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब ये प्रिंट करेगा रोल नंबर, तो वो आ जाएगा एस डॉट रोल नंबर से। फिर एक और प्रिंट एफ जो कि प्रिंट करेगा नेम परसेंट एस एस डॉट नेम, एंड एक और प्रिंट एफ जो कि प्रिंट करेगा मार्क्स, यहां लिखा परसेंट एफ एस डॉट मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये एफ रीड फाइल से डेटा रीड करेगा जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, और उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्ट्रक्चर राइट किया है तो स्ट्रक्चर के थ्रू ही रीड करो। ऐसा नहीं है कि आपने एरे तो राइट किया और रीड आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो फिर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा। तो इनपुट का जो फॉर्मेट है वही आपको जब फाइल से डेटा रीड करेंगे उस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो फाइल मैंने रीड मोड में ओपन की है, मैं कुछ भी इनपुट नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली डेटा आपके सामने डिस्प्ले होगा। ये देखिए स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ प्रिंट हुई, रोल नंबर प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है और मार्क्स प्रिंट हो रहा है। तो मैंने कुछ भी इनपुट नहीं किया, ऑटोमेटिकली डेटा प्रिंट हो रहा है। तो अब क्या होगा कि आप जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस फाइल में जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने शो हो जाएगा। तो जो भी हमने पिछले प्रोग्राम के थ्रू इनपुट करवाया था वो स्टोर्ड है और वो इस प्रोग्राम के लिए एज आउटपुट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रक्चर को कैसे फाइल में राइट करें और कैसे उसको रीड कर सकते हैं। अब अगला जो टास्क है वो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेम ऑपरेशन किस पर अप्लाई करना है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर पर, तो वो भी कर लेते हैं। तो अब हम फाइल से मैनेज करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले मैं डेटा राइट करूंगा और फिर रीड करूंगा। तो मैंने यहां साइज मेंशन कर दिया 3, तो मुझे 3 स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है उसको मैनेज करना है। एक इंटीजर वेरिएबल जो लूप चलाने का काम करेगा। फाइल को WB मोड में अपन बना लेते हैं और यहाँ मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा 1। पुरानी फाइल थी struct data.txt और इसका नाम दे दिया struct data1.txt। तो एक नई फाइल बनेगी, इसको अपन इरेज कर देते हैं और अब यहाँ लिखना है एंटर नंबर मार्क्स सॉरी नेम मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स। उसके बाद फॉर लूप चलेगा जो कि 3 बार इटरेट होगा और इस फॉर लूप के अंदर अब हम यूजर से डेटा इनपुट करा लेते हैं। तो परसेंट डी एम परसेंट एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर देन सी एच इक्वल्स टू गेट कैर, ये जो रोल नंबर के बाद एंटर प्रेस करेंगे उसको स्किप कराने के लिए। फिर हमने लिखा गेट एस एस ऑफ आई डॉट नेम, ठीक है, और मार्क्स को रीड कराने के लिए अगेन स्कैन एफ परसेंट एफ एम परसेंट एस ऑफ आई डॉट मार्क्स। तो ये हमने यूजर से डेटा रीड कराया, 3 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, तीनों के रोल नंबर नेम और मार्क्स आ जाएंगे। और अब देखिएगा लूप कंप्लीट होने के बाद मैं एक ही बार में पूरा डेटा फाइल में भेज दूंगा। तो एफ राइट, अब देखो अभी एस है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर अगर आप देखेंगे तो एस इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये एरे बन चुका है। तो अब हमें एम परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एस लिखेंगे। साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट कितनी क्वांटिटी है, 3, और कहां भेजनी है, एफ पी के अंदर। तो तीनों स्टूडेंट की डिटेल ऑटोमेटिकली फाइल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है तो कैसे राइट होगा, और एक से ज्यादा डेटा है एरे ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू तो वो कैसे राइट होगा। तो अगर हम डेमो फोल्डर को फिर से देखें तो यहाँ देखो स्ट्रक्ट डेटा नाम की फाइल है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एक और फाइल बन जाएगी स्ट्रक्ट डेटा 1 के नाम से, सॉरी यहां मैंने स्टूडेंट लिख दिया, तो ये होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट।
जैसे ही कंपाइल करते हैं तो एरर्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो मैंने डाला देखो रोल नंबर 1, नेम ए, मार्क्स डाल दिए 100। फिर मैंने डाला रोल नंबर 2, नेम बी, मार्क्स 200। फिर मैंने डाला 3, सी 300। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स की डिटेल मैंने एंटर की और उसके बाद प्रोग्राम फिनिश। अब अगर अपन डेमो फोल्डर में जाएंगे तो आप देखोगे, ये देखो स्टूडेंट डेटा 1.txt बन गई। ठीक, अगर इसको ओपन करेंगे तो डेटा ये इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में जो नॉन रीडेबल है। अब अपन को एक इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है कि हमने जो अभी फाइल बनाई struct data1.txt उसको रीड मोड में ओपन करेंगे और तीनों स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें रीड करा के प्रिंट करा। तो आप फाइल का मोड चेंज कर दो आर मोड। ठीक है, जो डेटा हमने एफ राइट से राइट किया था उसको कट करो और उसको फाइल ओपन करने के जस्ट बाद लिखो और एफ राइट की जगह क्या लिख दो, एफ रीड। एफ रीड डेटा एस के अंदर रीड करेगा, जो एक ब्लॉक है उसका साइज होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग और हमें कितने क्वांटिटी रीड करनी है, 3। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने इंटीजर एरे प्रोसेस किया तो यहाँ इंट लिखा था, बट अभी एरे स्ट्रक्चर टाइप का है इसलिए स्ट्रक्चर डेटा यहाँ डेटा टाइप यहाँ यूज करना है। क्वांटिटी एरे के साइज के अकॉर्डिंग आप लिखोगे या जितना डेटा आपने स्टोर किया उतना ही आप रीड कर पाओगे। देन यहां मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब पूरा डेटा एस वेरिएबल में रीड हो जाएगा तो उसको प्रिंट कराना है। तो अब यहाँ पर अपन प्रिंट एफ लिख देते हैं, तो रोल नंबर इक्वल्स टू % एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर। देन एक और प्रिंट एफ जो कि होगा नेम के लिए, तो यहाँ लिखेंगे एस ऑफ आई डॉट नेम। एक और प्रिंट एफ जो कि होगा मार्क्स के लिए। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैं कुछ भी इनपुट नहीं करूंगा और आप देखोगे कि जो डेटा हमने पिछले प्रोग्राम के थ्रू फाइल में स्टोर किया था वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि हर बार हो रहा है। तो हमने कंपाइल और एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट आपके सामने। रोल नंबर 1 नेम ए, मार्क्स 100। रोल नंबर 2 नेम बी, मार्क्स 200। रोल नंबर 3 नेम सी एंड मार्क्स 300। तो जो डेटा फाइल में अवेलेबल था वो ऑटोमेटिकली रीड हुआ और उसको हमने प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपको बल्क डेटा मैनेज करना है फाइल हैंडलिंग के थ्रू, तो ये जो मैंने आपको अभी सारी चीजें एक्सप्लेन की है इस स्लाइड के अंदर, जो भी मेंशन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पहली बात तो बाइनरी फाइल कैसे प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए आपको मोड के बाद बी अटैच करना है। ठीक है, हमने आर बी और डब्ल्यू बी यूज किया। अगर आप एक ही प्रोग्राम को बहुत बार एग्जीक्यूट करते हैं और आप चाहते हैं कि पुराना डेटा भी सेव रहे और नया भी स्टोर करें, तो W के जगह A यूज कर लीजिए अपेंड मोड, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड फिर मैंने आपको बताया कि एरे स्ट्रक्चर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर को फाइल में स्टोर करना है या फाइल से रीड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो ये मेरी डिटेल से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और इस पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सो सारे वीडियोस फॉलो करें। एंड अगला जो लेक्चर होगा वो फंक्शंस पर बेस्ड होगा, जो कि एक नया टॉपिक है। तो इसके भी टोटल 3 लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 28, 29 एंड 30। तो तीनों लेक्चर्स को देखने के बाद फंक्शंस, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आएगा। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट के जो 2 लेक्चर हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 32 एंड 33। तो उनमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें और इंटरव्यूज में कई बार आपसे कुछ कोड पूछे जाते हैं, उनका आउटपुट हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करें ताकि आप अपना जो सी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाए। एंड आई होप कि जो भी मैंने इस वीडियो सीरीज में एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सजेशंस इन्वाइटेड है, तो आप मुझे कम्युनिकेट करके मेरे फीडबैक्स दे सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर उनको मेंशन कर सकते हो। Thank you for watching this video.